इज व्हाट मेल फिल्टरिंग। अब ईमेल काफी आ जाते हैं और ईमेल को भी सर्च करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है, कहा किस तरीके से ईमेल को ढूंढे बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ईमेल सर्च करने के भी तरीके हैं, जैसे हम लोगों ने गूगल सर्च करने के तरीके देखे हैं, वैसे हम लोग जीमेल सॉरी सर्चिंग का नहीं है, ये फिल्टरिंग का है। तो ये फिल्टरिंग का काफी अच्छा यूज आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से यूज होता है। जीमेल फिल्टरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर्च, अब जैसे ही जीमेल में जाते हैं तो आपको एक सर्च बार दिखता है, उस सर्च बार के डाउन एरो की आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला एक डायलॉग बॉक्स जो भी वो सामने आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है, सर्चिंग आप यानी यहाँ पे फिल्टरिंग आप लोग डाल सकते हैं। यानी क्या, किसके थ्रू आपके पास ईमेल आया तो क्या एक्शन आप लोगों ने लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपके प्रिंसिपल के थ्रू जो भी ईमेल आपको आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ईमेल्स है, आप उसको स्टार मार्क करके रखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से उस ईमेल का यूज करोगे, आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर जाना है, आप उस ईमेल का जो भी जिनसे भी वो ईमेल आ रहा है, जैसे प्रिंसिपल सीओई या hod.com.coe@snjb.org, वो आप यहाँ पर दोगे। वो लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, क्रिएट फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। यू नीड टू क्लिक ऑन व्हाट, क्रिएट फिल्टर बटन। जैसे आप क्रिएट फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे एक्शन दिए है, यानी क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप, उस ईमेल को आप स्किप करना चाहते हैं क्या, यानी डायरेक्ट आर्काइव में वो चला जाएगा, उसको आप मार्क एज रीड करना चाहते हैं क्या, उसको स्टार करना चाहते हैं क्या, उसको कोई लेबल डायरेक्टली आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या, वो कहीं पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं क्या, या आप डायरेक्टली उसको डिलीट करना चाहते हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हैं, आप जितने भी पढ़ोगे आप एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं कोई इसमें से कुछ फीचर्स आपको लेके एक हैंड्स ऑन डेमो देता हूं तो आपको काफी बेहतर वो लगेगा। ये सारे फीचर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्या करना रहेगा, क्लिक करना होगा और आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स टेक हैंड्स ऑन डेमो। अब देखिए मुझे यहाँ पर काफी मेल्स आ रहे हैं। ओके, ये ऑनलाइन कोर्स का मेल आया है। ओके, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन कोर्स। ओके, ये कहाँ से आ रहे हैं, एनपीटेल से मुझे ये वाले कोर्स जो भी वो आ रहे हैं, मुझे ये मेल्स जो भी है जो भी आते हैं इसके ऊपर मुझे कुछ तो एक्शन लेना है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फिल्टर के ऊपर जो भी था उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फ्रॉम। जैसे ही मैं फ्रॉम दूंगा तो ये क्या कर देगा मेरे लिए, जितने भी मेल्स मुझे ऑनलाइन कोर्सेज से आए हैं, देखिए मैं सर्च कर देता हूँ, जितने भी मेल्स मुझे ऑनलाइन कोर्स से आए हैं वो सारे मेल आईडीज के हिसाब से इसको क्या कर देगा, वो फिल्टर कर देगा और सारे मेल्स मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, अब मुझे इस मेल्स के साथ में कुछ एक्शन करना है, क्या एक्शन लेना चाहता हूं मैं, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। ओके, मैंने ये बोला है और क्रिएट फिल्टर में क्लिक कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन क्रिएट फिल्टर। जैसे मैंने क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे क्या करेगा, मुझे क्या करना है, ये सारे मेल्स जो भी उसको डिलीट करना है, जितने भी मेल्स आए हैं उसको डिलीट करना है। और यहाँ पर ये आपको बोलेगा, देखिए अप्लाई फिल्टर टू मैचिंग कॉन्वर्सेशन, इसको भी आप क्लिक करके रखिए। इसको आप क्लिक करोगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आने वाला ईमेल तो डिलीट होगा ही होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसको भी क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। तो ये सारे मेल्स मुझे क्या कर देने हैं, डिलीट करने हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट इट और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर चुका हूं। अब मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट फिल्टर। अब देखिए ये सारे मेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ओके, ये सारे डिलीट हो चुके हैं। मैं फिर से इसको सर्च करना चाहता हूं, मैं इसको फिर से सर्च करना चाहता हूं। अब देखिए ऑनलाइन वाला सारा गायब हो चुका है, मैं फिर से सर्च करूंगा। ओके, ये जो भी है ये फॉरवर्डेड है, बाकी तो जो ऑनलाइन वाले डायरेक्ट थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो वो कहां चले गए होंगे, वो सारे बीन्स में गए होंगे। सो मैं बीन्स के ऊपर जाता हूं, यानी ट्रैश। ट्रैश आपको कई जगह पे दिखाई देता है, मोबाइल के थ्रू आप एक्सेस करोगे तो आपको बीन दिखाई देगा। मैं ट्रैश के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं ट्रैश के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑनलाइन वाले मेल देखिए ये यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं यदि सर्च करने जाऊंगा मुझे ऑनलाइन वाले मेल चाहिए तो आपको यहाँ पे सारे ऑनलाइन वाले मेल जो भी है वो ट्रैश में दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से आप एक ही झटके में सारे मेल्स को डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये एक बेनिफिट उसका है। दूसरा बेनिफिट इसका जो भी रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई इंपॉर्टेंट ईमेल मुझे आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये एचओडी का मेल आईडी है, मैं क्या करता हूं इसको नॉर्मल मेरा मेल आईडी जो भी है वहां पर जाता हूं, ये मेरा नॉर्मल मेल आईडी है। एचओडी कॉम से जो भी मेल आएगा उसको स्टार मार्क होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, जब भी कोई एचओडी कॉम का, देखिए मैं पहले मेल भेजता हूं। ओके, आई विल सेंड द मेल, कंपोज, मुझे किसको मेल भेजना है, sangvi.mahesh को मेल भेजना है। तो मैं यहाँ पे मेल आईडी देता हूँ sangvi.mahesh@gmail.com। ओके, यहाँ पर मैं बोलता हूँ टेस्ट मेल। ओके, और मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेल जो भी है इसको मुझे क्या करना है, भेजना है। यहाँ पे मैंने कुछ तो मैटर जो भी है वो दे देना था, वो मैंने दे दिया और मैं इसको बोल रहा हूँ सेंड।
जो भी मैटर मुझे टाइप करना था वो मैंने दिया और उसको मैं क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। ओके अपेक्षा, आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए। या थैंक यू। सो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर मैं इस मेल को क्या करता हूँ, भेज देता हूँ, मैंने सेंड किया, मेल कहां पर चला जाएगा, मेरा जो भी इनबॉक्स है यहां पर वो मेल आईडी जो भी है वो आना चाहिए। सो मैं सर्च कर रहा हूं, ओके मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, एचओडी आईडी से मुझे, एचओडी कंप्यूटर से मुझे मेल आना चाहिए। ओके यहाँ के यहाँ पे एक टैब से दूसरे टैब में मेल आने को कितना समय लगता है ना। देखिए ये वाला मेल आ चुका है, वाला मेल ओके, लेकिन इसको ऑटोमेटिक स्टार मार्क नहीं हुआ है। ओके लेकिन मेरा अब मुझे काम क्या है, जब भी ये मिलेगा अब मैं इसको स्टार मार्क करूंगा। ओके मैं इसको स्टार मार्क करता हूं तो ऑटोमेटिकली स्टार हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टार मार्क ऑटोमेटिकली आना चाहिए जब भी महेश संघवी से मुझे मेल आएगा। तो फिलहाल मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको डिलीट कर देता हूं, आई एम सिंपली डिलीटिंग इट। और मुझे कुछ ऑपरेशन यहां पर करने पड़ेंगे, किसके थ्रू मेल आया, तो मैं फिल्टर के ऊपर जाता हूं, यहां पर संघवी डॉट सॉरी एचओडी एचओडी कॉम के थ्रू जब भी मेल आएगा उसका मैंने मेल आईडी दिया, जब भी मेल आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं क्रिएट फिल्टर कर रहा हूं, मैं क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और स्टार मार्क आना चाहिए, स्टार इट ऑटोमेटिकली, उसको स्टार कर देना है। तो मैंने क्या किया, स्टार सिलेक्ट किया और क्रिएट फिल्टर बोल दिया। जैसे मैंने क्रिएट फिल्टर किया, देखिए अभी मैं मेल फिर से भेजता हूं, मैं कहां से मेल भेज रहा हूं, एचओडी कॉम से, किसको, जिस मेल आईडी के ऊपर मैंने फिल्टर को सेट किया है। ओके वो मेल आईडी मैं यहां पर दे रहा हूं, ओके वो मेल आईडी मैंने दिया, यहां पर मैंने उसको बोला टेस्ट मेल और ब्रैकेट में देता हूं न्यू। ओके ऑटोमेटिकली स्टार मार्क इज एक्सपेक्टेड, ऑटोमेटिकली स्टार मार्क जो भी वो आना चाहिए। ओके मैं इसको सेंड कर देता हूं, जैसे ही मैं सेंड करूंगा मुझे चेक करना होगा कहां पर, इस वाले में इनबॉक्स पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अभी तक नहीं आया, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं, नहीं आया, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए मेल आया है और उसको स्टार मार्क भी उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या होता है, कई बार मेल आ रहे हैं उसको स्टार मार्क करो, उसको रिमूव करो, बहुत टाइम हमारा जाता है। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मेल मुझे आया है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेल मुझे आना चाहिए, ये देखना नहीं चाहता हूं मैं, ये ऑटोमेटिकली डिलीट होना चाहिए। या गूगल अलर्ट्स के जो मेल आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए। ओके तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां पर मैं डायरेक्टली गूगल अलर्ट्स का जो भी मेल आईडी है वो कॉपी कर लेता हूं, फिल्टर्स में चला जाता हूं, ये मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहां पर क्रिएट फिल्टर में जाता हूं, इसको मैं बोल दूंगा कि वो जैसे भी ऐसे यहां से जब भी मेल आएगा इसको डिलीट कर दो। ओके देखिए यहां पर 16 मेल्स ऑलरेडी आए हैं, यहां पर दिखा रहा है, वो पहले वाले मेल्स को भी डिलीट करना है क्या, हाँ करना है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर बोल देता हूं क्रिएट फिल्टर। जैसे मैं क्रिएट फिल्टर करूंगा ये सभी के सभी मेल्स मेरे रिमूव हो चुके हैं, ये कहां जा चुके हैं मेरे, ऑटोमेटिकली यहां से रिमूव होके ये कहां चले जाएंगे, ट्रैश में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैबुलस फीचर, काफी जगह पे आप लोगों को क्या हो सकता है, ये यूज हो सकता है। इसमें मैंने आपको कुछ ही यहाँ पे क्या किया है, फिलहाल कुछ ही क्या दिखाया है आपको, फीचर्स दिखाया है, आप पूरे फीचर्स का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप अपना स्ट्रेंथ और भी बढ़ा सकते हैं।